2022 दीआं चोणां दौरान नवजोत सिंह दे बयानां दा विरोध करन वाले कॉन्सटेबल दे वल्लों अज खौफनाक कदम चक्किआ गया। पुलिस वाला जिहड़ा है खुदकुशी कर लैंदा है, गले नूं फांसी दा फंदा लगा के जिहड़ा है हमेशा वास्ते अपनी जिंदगी नूं अलविदा कह दिंदा है। मामला अमृतसर दा दस्सिआ जा रिहा है, जिथे कि एक पुलिस कॉन्सटेबल संदीप नां दे व्यक्ति दे वल्लों जिहड़ा है खुदकुशी की जाती है। 2022 दीआं चोणां दौरान जिहड़ा है नवजोत सिंह दे वल्लों काफ़ी ज़्यादा गल्लां कीतीआं गईआं सी, या फिर गल करिए कि शब्दावली दे नाल आमो सामना किया गया सी। तां उस दौरान इस कॉन्सटेबल दे वल्लों जिहड़ा है अग्गों दी जवाब दिते गए सी अपने अंदाज दे विच, जिहड़ा इहनां वल्लों विरोध किया गया सी। जवाबी जिहड़े एक तरीके दे नाल कहा जा सकदा है कि विरोध दे विच नवजोत सिंह नूं जिहड़ा जवाब दिंदे होए कॉन्सटेबल नज़र आए सी। लेकिन हुण इस कॉन्सटेबल दे वल्लों जिहड़ा वड्डा कदम चक लिया गया है, खौफनाक कदम चकदिआं होए अपनी जीवन लीला जिहड़ी है समाप्त कर लैंदे ने। कारण की इस दे पिछे हाले तक यह जानकारी जिहड़ी है बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं हो पा रही। लेकिन उत्थे ये जानकारी तां दस दिंदे आ कि किसी व्यक्ति दे वल्लों देखिआ जांदा है घर दे अंदर कि एक लाश लटक रही हुंदी है, ते जिस तों बाद जदों घर दे विच दाखिल होकर देखदा है तां पता चलदा है कि संदीप नां दे व्यक्ति दे वल्लों पुलिस वाले दे वल्लों जिहड़ा है खुदकुशी कर ली जांदी है। पुलिस नूं इस मामले की जानकारी दिती जांदी है ते पुलिस भी मौके ते पुजदी है। लेकिन पुलिस दे वल्लों इह गल आखी गई है कि हाले तक संदीप व्यक्ति दे घर दे माता पिता या फिर किसी होर परिवारक मैंबरां दे वल्लों किसी भी तरीके की कोई रिपोर्ट जिहड़ी है दर्ज नहीं करवाई गई। जिवें ही परिवारक मैंबरां दे वल्लों रिपोर्ट दर्ज करवाई जाएगी तो उस हिसाब दे नाल जिहड़ी है कार्रवाई शुरू कर दिती जाएगी। लेकिन उत्थे जद पत्रकारां दे वल्लों पुछया जाता है कि कारण की सी संदीप की मौत के पिछे खुदकुशी उसके वल्लों क्यों की गई या फिर एक खौफनाक कदम क्यों चुकया गया, तो पुलिस का भी इस मामले में यह कहना है कि हाले तक एक कुछ भी जिहड़ा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कारण की है इसके पिछे कि क्यों इन्ना वड्डा खौफनाक कदम चुकया गया संदीप दे वल्लों, क्यों अपनी जीवन लीला समाप्त की गई। लेकिन 2022 दे विच चोणां दौरान जिहड़ा नवजोत सिंह का विरोध किया गया सी या फिर जवाब दिता गया सी, जो भी शब्दावली उन्होंने वालों वरती गई सी तो उस जिहड़ा जम के अपने अंदाज दे विच जवाब देंदे हुए एक कॉन्सटेबल नज़र आए सी। लेकिन अज इन्हां दे वल्लों खौफनाक कदम चक लिया गया है, अपनी जीवन लीला समाप्त की गई है। तो इस मामले दे विच पुलिस वल्लों कहा गया है कि हुण परिवारक मैंबर जेकर रिपोर्ट लिखाणगे, जिवें रिपोर्ट लिखाणगे तो उस दे आधार ते जिहड़ी अगलेरी कार्रवाई शुरू कर दिती जाएगी। अमृतसर तो मुकेश मेहरा की रिपोर्ट। अज करीब शाम को साढ़े 6 बजे सानू इतला मिली सी भी हैड कॉन्सटेबल संदीप सिंह है वो फ्लैट नंबर 85 रहिंदा, उन्हें फाहा लै लिया तो उसकी मौत हो गई। उस संबंधी पुलिस पार्टी लैके उत्थे मौके पर पुजे सी, जो वाकई की लाश जी है संदीप सिंह की वह पखे नाल लटकी सी, फाहा लिया हुआ सी। उसके वारसा नूं बुला के लाश जी उत्थों उतारी गई, उतारन तो बाद जी डेड हाउस के जमा करवाई गई है। किसी ने भी अजे तक स्टेटमेंट उसकी मदर वाइफ है नहीं लिखाई गई, उन्हें जदों भी वो मदर नाल संपर्क किया गया लुधियाने रह रहे हैं ना, उन्होंने सानू सुबह सवेरे आना आ, सवेरे आके जो भी स्टेटमेंट लिखाएंगे वो मुताबिक जी कार्रवाई अमल च लेवांगे। अजय कारण का कोई पता सानू नहीं लगा जी, अजय कोई चीज़ नहीं मिली, सुसाइड की तलाश तो कराई पर कोई चीज़ मिली नहीं। मौके से जो कहीं स्टेटमेंट नहीं लिखाई, लाश सिर्फ जमा कराई है डेड हाउस सिविल अस्पताल, वो सवेरे जी स्टेटमेंट लिखा लिखाएंगे वारस आ रहे हैं, वो मदर आ रही है लुधियाने तो जी वाइफ इतने अजय शौक च ने ज़्यादा, अजय किसी ने स्टेटमेंट सब नहीं लिखाई, सवेरे जो स्टेटमेंट लिखाएंगे उसके मुताबिक जी कार्रवाई अमल च लेवांगे। जे तुसी भी चाहुंदे हो आस्ट्रेलिया जां न्यूजीलैंड दे विच ब्याह तां इक्को इक राह NRI मैरिज ब्यूरो। NRI मैरिज ब्यूरो, फाइंड योर परफेक्ट ह्यूमन।